अल्लाह का शुक्र है, इन्हें कोई कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है। अब इनकी हालत काफ़ी बेहतर है और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इनको रेगुलर आपको देनी होगी। ओके, और इनकी हालत काफ़ी अब बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ इनकी अच्छी केयर हो सकती है तो हम इनको कुछ दिन और यहाँ रोक लेते हैं। मुझे घर जाना है। एक्चुअली ये खुद भी जाना चाह रही है, तो मेरे ख्याल आप इनको घर ले जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप इन्हें हॉस्पिटल लेके आते रहिए। मेरे ख्याल से हम एक दो दिन यहाँ रुक जाते हैं। डॉक्टर ने खुद कहा है मुझे हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं किंजा, मुझे क्या मसला होगा। तैमूर, मैं हॉस्पिटल के ड्यूज क्लियर करवा के। नहीं, मैं भी आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मैं इस हाल में पहुंच गई हूं तो तुम्हें मेरे घर में कदम जमाने का मौका मिल जाएगा? एक बार मुझे घर वापस आने दो। तुम्हें अपने घर से धक्के देकर ना निकलवाया तो मेरा नाम भी किंजा नहीं। भाभी, मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है और वो अपने बंदों के लिए जो करता है वो बेहतरीन होता है। आप मेरे बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करें प्लीज। परेशान ना करूं? आज मैं इस हाल में हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। माफ नहीं करूंगी तुम्हें जब तक तुम मेरे घर से ना निकल जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो तुम? अम्मा, ज्यादा शोर मचा के ना चराग बनने की कोशिश मत करो और हट जाओ, हमें घर की तलाशी लेनी है। सुबह से पागल बना रखा है तुमने। खबरदार खबरदार, जो मेरे घर में एक कदम भी रखने की कोशिश की तो। अच्छा, तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लूंगी मैं? शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, ये कर लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, अपने बेटे को बाहर निकालो, नहीं तो मैंने कॉल कर दी है, 5 मिनट में लेडी पुलिस आएगी, तलाशी तो मैं लेकर जाऊंगा। अरे कितनी बार बताऊं कि मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है, एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर तुम्हारा बेटा ना मिला ना तो तुम दोनों माँ बेटियों को ना लॉकअप में बंद कर दूंगा मैं ले जाके। अरे ऐसे कैसे ले जाओगे? अम्मा अम्मा, ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे हम दोनों को ले जाएंगे? अरे कैसे ले जा सकते हो, मैं नहीं लेने दूंगी तलाशी। हाँ बहुत डींगे मार ली अम्मा, अब पीछे हटो। अरे क्या कर रहे हो? बीबी, हमारे पास सर्च वारंट है, हम घर की तलाशी लेने आए। सीधे शराफत से तलाशी दे रही हो या जबरदस्ती करे हम? खबरदार, जो मेरे घर के अंदर आने की कोशिश तुम लोगों ने की। चलो अम्मा पीछे हटो, चलो अंदर। अरे क्या, चलो अंदर, देखो तो सही सोनी है ये, इनको क्या? अरे कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे घर में? तुम जाओ, तुम ऊपर जाओ। अरे, तुम की तलाश में। मैं बता रही हूँ कि वो लड़का मेरा नहीं है घर में, कैसे बताऊं? अभी 5 मिनट में पता चल जाएगा। दर्द कैसा है आपका? मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। आप बस खाना खा लें, उसके बाद फिर आपने दवाई भी लेनी है। शहनाज, तुम जाओ भाभी के लिए खाना लेकर आओ। शहनाज, खाना सबके लिए लगवाओ, सब काफी देर से मेरी ही परेशानी में लगे हुए हैं और तुमने तो ऑफिस के बाद आकर कुछ खाया भी नहीं था। बच्चे सो गए क्या? निमशा बीबी को तो मैंने अभी खाना खिला के सुलाया और अली बाबा बिल्कुल अभी अभी सोए। शहनाज, तुम बाजी के लिए खाना लेकर। मैं लेकर आती हूँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। खाना वो लगा देगी, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। जी। वैसे भाभी, फलक आपके पास ही रहेगी रात में, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो वो आपकी मदद करेगी।
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत हुई तो शहनाज होगी मेरे पास। भाभी, शहनाज बच्चों के पास रह लेगी, मैं आपके पास रह लेती हूँ। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दियां नहीं चाहिए, अपने दिखावे की खिदमत अपने पास रखो। मेरे बच्चों के पास सुहेल होंगे। फलक, तुम खाना लगवाओ फिर माते। जी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सही तरह तलाशी लो, देखो गौर से। सर जी इधर कोई नहीं है। ठीक है नीचे आओ। कोई खुदा का खौफ खाओ, वो यहाँ कहीं नहीं है, बता तो रही हूँ, पहले भी बताया है। नहीं है वो, लेकिन तुम लोगों को ये तो पता है ना कि वो कहाँ है। सच सच बता दो, वरना थाने ले जाके चार पड़ी ना तो खुद ब खुद सच बोलोगी। अरे कोई खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ मैं क्यों झूठ बोलूंगी। इसी बात का तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, सुबह से चक्कर दे रहे हो, वरना अब तक तो तुम्हें मजा चखा देता। अब सच सच बताओ, उसे घर में छुपाया है या किसी दोस्त के घर भेज दिया है? अरे वो यहाँ कहीं भी नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ है? अम्मा बता दो ना इनको, जान छुड़ाओ अपनी। बेटा क्या सच बताऊँ मैं इनको? अच्छा तो तुम्हें पता है वो कहाँ जाके छुप गया चूहे की तरह? सच बता दो, मसला खत्म करो। वो यहाँ नहीं है, वो मुल्क से बाहर चला गया है। 8 बजे की फ्लाइट थी उसकी, अब तो 10 बजने वाले है, वो पहुँच गया होगा। मुल्क से बाहर? ओह, यानी कि कोई बड़ी वारदात की है, तभी तो मुल्क से भाग गया है। अरे नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा इस तरह का नहीं है। सर जी लगता है इनके हालात, ये बेटों को बाहर भेज सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी गेम लग रही है सर जी। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ, इनको क्यों यकीन नहीं आता? तो पता चला लेते हैं थाने ले जाकर। चलो लेके चलो। नहीं नहीं, मेरी अम्मी को नहीं हाथ लगा सकते। अरे मैं अभी लोगों को इकट्ठा कर लूंगी।